हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली न्यूज़ आई है जहाँ पे फली एस नरीमन जो है उनकी डेथ हो गई है। इंडिया के बहुत बड़े जुरिस्ट थे और कहा जाता है कि नानी ए पालकी वाला जो कि इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स हैं, उनकी बराबर के टक्कर के लॉयर इंडिया के अंदर ये एक ही थे। बेसिकली इनकी जो बुक है बिफोर द मेमोरी फेड्स, उनके अंदर एक चैप्टर के अंदर ये इसी बात का जिक्र करते हैं जहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर जब ये उनके नीचे काम कर रहे होते हैं तब एक बार एक कोर्ट के अंदर फली एस नरीमन आर्ग्यू करते हैं क्योंकि नानी पालकी वाला लेट हो जाते हैं। ये सारे चीज़ें पॉइंट्स रखते हैं उनके सामने और उसके बाद जैसे ही नानी पालकी वाला आते हैं, नानी आकर के जैसे ही एक्सप्रेस करते हैं सारे व्यूज़ रखते हैं, तो उसके बाद में जज साहब खुद की बात कहते हैं कि आपने जो बातें बोली थी वो एग्जैक्टली सारी की सारी जो है वो फली एस नरीमन ने रख दी है बात, और सारी की सारी आपकी बात उन्होंने क्रक्स के लिए मुझे बता दी। उस समय फली एस नरीमन जो उनके ऊपर पहली बार यहाँ पर जो है वो चिन्ह लगता है कि भाई वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद में 1975 की इमरजेंसी के समय जब वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होने के बावजूद भी अपनी पोस्ट छोड़ देते हैं ये चीज़ कह करके कि भाई ये गलत था पूरा इमरजेंसी का सिचुएशन, वो उनकी ऑनेस्टी को और इंटेग्रिटी को दिखाता है। तो आज हम लोग नमन करते हैं ऐसी बहुत बड़ी हस्ती को। थैंक यू वेरी मच।